बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। डॉक्टर साहब पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग सनसना रहा है मैडम पूरा। देखिए शर्माइए नहीं, आप अपने डॉक्टर को खुल के बताइए। अब यही है कि ऐसा कोई सस्ता उपाय बताइए जो हमारी पत्नी के पेट में बच्चा ना आए बस मैडम। सबसे सस्ता उपाय तो यही है कि आप नसबंदी करा लीजिए, हमेशा की छुट्टी। नसबंदी? नहीं, नसबंदी से हम बहुत घबराते हैं मैडम, उसको काट छांट से हम बहुत ही घबराते हैं, हमको डर लगता है कहीं कोई हमारा मीटर ना उखाड़ दे मैडम। ठीक है, तो दूसरा उपाय कि ये दवाई लीजिए अपनी बीवी को। दवाई? दवाई से याद है, दवाई से मैडम हमारी औरत को बहुत एलर्जी है, ये रखो अपने पास, कहा कि हम दवाई जब उसको खिला देंगे उसको थोड़ा वो उल्टी करने लगेगी, उल्टी समझ गई ना, वो दिन भर करने लगेगी। ठीक है, हाँ तो वही बता रहे हम, ऐसा हम नहीं कर रहे, वो करती है, करती है तो उसके बाद जो है एकदम चेहरा जो है फूल के कुप्पा ऐसा हो जाता है। हाँ समझिए समझिए। तो अब ये तीसरा उपाय है कि तुम कॉन्डम यूज करो, पर ध्यान से, कभी-कभी धोखा भी दे जाता है। ये कौन सा बड़ा बात हो गया, हम बहुत देखा टीवी में, हम जानते हैं उसके बारे में, बड़ा आप बता रही हैं। लेकिन मैडम एक बात है, अब कंडोम जो हम एक दिन में चार चार पांच पांच इस्तेमाल करेंगे तो हमारा तो सारा बंटा बैठ जाएगा, हमारा तो बिल्कुल खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगा मैडम, और कोई उपाय हो तो हमको बता दीजिए। तो अब आपके को पता है कि आपके पास आखिरी उपाय क्या है? क्या क्या है? कि तुम अपनी खटिया ना अलग लगा के सो जाओ अपनी बीवी से। खटिया दूर लगाए जी? ले अब यही तो हम तीन चार साल से कर रहे हैं, हम दूर सो रहे हैं, लेकिन ससुरा तब हर साल उसके पेट में बच्चा आ जाता है।